भारत को मिली G20 की अध्यक्षता। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने दी पीएम को शुभकामनाएं। सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज। व्यवसायी के साथ हुई लूट, पुलिस ने अवैध तमंचा किया बरामद। मिट्टी खनन का तूल पकड़ता मामला, मिली भगत से हो रहा खनन का कारोबार। पुलिस ने आइस फैक्ट्री को किया सीज, दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद स्वदेश वापसी कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपने दो दिवसीय दौरे पर दुनिया भर के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की है। इस दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने अगले G20 सम्मेलन के लिए पीएम मोदी को शुभकामनाएं भी दी। वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने बाली शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी। भारत 1 दिसंबर से आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको ने बाली शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी। इंडोनेशिया के अंदर G20 समिट में हमारे देश भारत को अध्यक्ष घोषित किया है और अब वो दिन दूर नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा भारत देश पूरे विश्व पटल पर चमकेगा। G20 तो एक शुरुआत है, आने वाले समय में पूरे दुनिया का प्रतिनिधित्व हमारा भारत देश करने जा रहा है और ये देशवासियों के अंदर एक खुशी की लहर है। G20 समिट के अंदर भारत का अध्यक्ष बनना एक अलग ही एक अनुभूति है और सभी भारतीय आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। किस तरह की खुशी मनाई आज? देखिए, हम लोगों ने मिष्ठान वितरित किया है और ख़ासतौर से मुस्लिम समाज में बहुत ज़्यादा खुशी की लहर देखने को मिली है। प्रयागराज में सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका मिला है। आपको बता दें कि हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। ट्रायल कोर्ट से सजा होने के बाद याचिका को खारिज किया गया है। जस्टिस समित गोपाल की एकल पीठ ने आदेश दिया जिसमें याचिका को औचित्यहीन माना गया है। हेट स्पीच मामले में आजम खान को 3 साल की सजा हुई है। खबर गाजीपुर से है जहां तहसील प्रशासन ने आइस फैक्ट्री को सीज कर दिया है। प्रशासन ने आइस फैक्ट्री पर बिजली के बिल का लाखों बकाया होने पर कुर्की की कार्रवाई की है। कुर्क की गई आइस फैक्ट्री शहर के तिलक नगर इलाके में स्थित है। बिल जमा ना होने पर प्रशासन ने कार्रवाई की। इसके बावजूद इसके बिल का बकाया ना जमा होने पर प्रशासन ने आइस फैक्ट्री सीज कर दी है। इसके अलावा 2 अन्य बकायेदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों पर बिजली बिल का लाखों का बकाया था। हरदोई में शहर कोतवाली इलाके के क्षेत्र के सदई बेटहा में मिट्टी खनन का कारोबार जोर पकड़ रहा है जिसमें 3 खनन माफियाओं का नाम शामिल है। अवैध खनन करने वाले माफिया लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक खनन विभाग और पुलिस की मिलीभगत से खनन का काम जोरों पर है जिससे रोड से लेकर खेत तक में गड्ढे होते जा रहे हैं। इससे राहगीरों की काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खनन का काम जोरों से चल रहा है जिसमें खनन माफिया धरती का सीना चीरने का काम कर रहे हैं। ये और क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? जैसी भी कब आती है? 2 दिन हो गए, 11 बजे रात से चालू ही रही और फिर सवेरे लग चलती रात है और यहाँ गड्ढा कर देते हो। हम लोगों ने परेशानी हुई, चौमा से निकली। तो कोई भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे आउट? कोई नहीं है, कोई भी नहीं आता। हाँ, कोई भी नहीं आउट।
हरदोई में अमृत योजना के गड्ढे ने छात्र की जान ले ली। आपको बता दें कि कोतवाली शहर के सर्कुलर रोड पर कन्हई पुरवा के पास सड़क हादसे में छात्र की मौत के बाद शहर के लोगों ने जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लापरवाह जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। अमृत योजना में यहाँ पाइपलाइन डाला गया है और इसको ठीक कराने का दायित्व भी अमृत योजना के पदाधिकारियों का था, लेकिन दुर्भाग्यवश इनको अनेकों बार जिला प्रशासन द्वारा बताया गया है, मेरे स्वयं के द्वारा भी नोटिस जारी किया गया है लिखित रूप से, और मैं आज जो है एक स्कूटी ला करके लाते हुए बच्चे का स्कूटी पलट गया है, जिसके कारण पीछे से एक ट्रैक्टर ने उसके ऊपर मतलब चढ़ गया, जिसके कारण उसकी मौके पर ही दुर्घटना घटी। सर, जाम लगाया गया था, क्या आश्वासन आप द्वारा दिया गया? आश्वासन नहीं, कार्रवाई की जाएगी और इस पर कड़ी कार्रवाई के लिए पुलिस हमारे साथ। रायबरेली में स्थानीय कब्जे के पूर्वी छोर पर स्थित तली में भारी संख्या में आयरन की गोलियां मिली हैं, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि नहर के अंदर भारी मात्रा में आयरन की गोलियां, जिनकी एक्सपायरी तिथि 2023 है और कुछ दवाइयों में 2025 भी एक्सपायरी तिथि भी पड़ी हुई है। वहीं मेडिकल लाइन से जुड़े कुछ लोगों ने दवा को देखकर बताया कि दवाएं सरकारी अस्पताल से प्रसूताओं को वितरित करने के लिए सरकार द्वारा भेजी जाती हैं और जिस अस्पताल में यह दवाएं जाती हैं वहां की आशा बहुएं, ANM तथा महिला हेल्प वर्कर अपने अपने क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोलियां मुफ्त वितरित करती हैं। सवाल यह उठता है कि लाखों की संख्या में यह गोलियां कहाँ से आई, किसके द्वारा नहर में फेंकी गई। अलीगढ़ में थाना अकराबाद में बीते दिनों हापुड़ व्यवसायी के साथ हुई लूट हो गई। इस घटना के बाद कुछ आरोपी फरार हो गए। वहीं पकड़ में आए मुख्य आरोपी से पूछताछ के बाद कुछ सामान और एक अवैध तमंचा बरामद कर लिया गया और आरोपी को जेल भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस ने तीन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। दिनांक 7 अक्टूबर 2022 को एक हापुड़ के व्यवसायी के साथ लूट की घटना हुई थी, जिस संबंध में अभियोग संख्या 444/22 थाना अकराबाद में पंजीकृत किया गया था, जिसमें पूर्व में तीन अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है और चौथे अभियुक्त का आज पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया था, जिसके द्वारा माल की बरामदगी की गई और घटना के संबंध में पुष्टि की गई। शीघ्र ही इस अभियोग में चार्जशीट लगा। बुलंदशहर में श्रद्धा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। राष्ट्रीय चेतना मिशन के बैनर तले हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने शहीद चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराकर आफताब को सूली पर चढ़ाने की मांग की है। आपको बता दें कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा हत्याकांड को लव जिहाद का परिणाम करार दिया है। कासगंज में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध भरगैं में बड़ी कार्रवाई की गई। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत सपा नेता अहमद नफीस उर्फ कालिया को करीब 47 अचल संपत्तियों को जब्त किया गया। आपको बता दें कि जब्त की गई संपत्तियों की अनुमानित कीमत अरबों में है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत संपत्ति को जब्त किया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अपराधियों के होश फक्ता हो गए हैं। अपराधियों के नियंत्रण और उनके ऊपर अंकुश लगाने हैं तो शासन के द्वारा जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है उसके फलस्वरूप वार्ड संख्या 704/22 माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के उपरांत जनपद कासगंज में पटियाली क्षेत्र अंतर्गत कस्बा बरगेन में आज लगातार इस वार्ड में खुरकी किया जा रहा है। इसमें करीब 47 अचल संपत्ति नोटेड है और उसमें लगातार कुर्की किया जा रहा है।
गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के घर नंदगंज पुलिस ने नोटिस चस्पा किया है। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा, जिसके चलते ये नोटिस लगाया गया। अंसारी के खिलाफ थाने में 419 और 420 जैसी कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।